Hello, in this we will see the components of wireless sensor networks. So wireless sensor networks ke kuch components hain. So basically these are sensors, wireless sensor nodes hai jisko hum bolte hain radio nodes, wireless LAN access point and the finally the evaluation software. Theek hai. So how they works is like this. Let us say we have a sensor node here. So one sensor node here and then another sensor node SN2 and let us say SN3. So these are the three sensor nodes. तो अब क्या होगा, ये sensor nodes क्या करेंगे, they will communicate with wireless sensor nodes और radio nodes. Basically ये sensors हैं and they will then communicate with wireless sensor nodes और the radio nodes जो कि signal को transmit करेंगे. तो यहाँ पे बीच में कुछ क्या होते हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं और वायरलेस सेंसर नोड और रेडियो नोड्स. सो दीज आर देयर एंड दे विल ट्रांसमिट द डेटा और इस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि इस डेटा को इंटरनेट के ऊपर लेके जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, वायरलेस लैन एक्सेस पॉइंट. सो वी हैव अ डब्ल्यू लैन एक्सेस पॉइंट हेयर, डब्ल्यू लैन AP जिसको हम बोल सकते हैं. ठीक है. सो एक क्या होता है, यहाँ पे वी हैव एन लेट अस से एन इथरनेट राउटर जिसको हम बोलते हैं एक्सेस पॉइंट और वो फाइनली कनेक्टेड होता है किससे, एक इवेल्युएशन सॉफ्टवेयर से जो डेटा को इवेल्युएट करेगा. सो इस तरह से वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के कंपोनेंट्स होते हैं. Now let us discuss them in details. Sensors क्या हैं, basically they capture the measured variables in a data acquisition network. तो sensors capture करते हैं किसी भी variable की value को. For further processing, sensor signal is converted into electrical signal. Then wireless sensor node or radio nodes, they receive the sensor data from the sensors. कि अगर इस sensor ने कुछ data को receive किया तो वो क्या करेगा, इसको इनके पास भेज देगा, वायरलेस सेंसर नोड्स के पास. देन वी हैव दिस वायरलेस लैन एक्सेस पॉइंट, दे रिसीव सेंसर डेटा विच आर ट्रांसफर बाय सेंसर नोड्स, दिस नोड्स वायरलेसली. सो बेसिकली क्या हुआ, इसके ऊपर इस डेटा को रिसीव कर लिया वायरलेस लाइन के ऊपर. एंड इवेल्युएशन सॉफ्टवेयर फॉर एनी डेटा एनालिसिस, डब्ल्यू लैन एक्सेस पॉइंट इज कनेक्टेड टू एन इवेल्युएशन यूनिट. मतलब डेटा यहाँ से चलते हुए सीधा आपके सॉफ्टवेयर यूनिट के पास पहुँच जाएगा. सो दैट इज हाउ द वायरलेस सेंसर नेटवर्क works. And these are the four components: sensors, wireless sensor nodes, WLAN access point and evaluation software. Now let us see the components of a wireless sensor node. अभी तक हमने देखा था पूरे नेटवर्क के, अब हम देख रहे हैं सेंसर नोड के कंपोनेंट्स. तो बेसिकली चार हैं, माइक्रो कंट्रोलर, ट्रांस रिसीवर, एक्सटर्नल मेमोरी एंड पावर सोर्स. सो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, दिस इज अ कंप्यूटर ऑन ए चिप विच इज वेरी स्मॉल इन साइज. एक कंप्यूटर ही एक चिप के ऊपर होता है, कैपेबल ऑफ डूइंग पावरफुल टास्क इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट. तो जितने भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो सब माइक्रो कंट्रोलर करता है. सो इट कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर, होता है इसमें, एक रैम मेमोरी होती है जैसे डेट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एसोसिएटेड पेरिफेरल्स. बाकी जितने भी पेरिफेरल्स हैं एसोसिएटेड वो सब इसके साथ होते हैं. सो माइक्रो कंट्रोलर. देन वी हैव अ ट्रांस रिसीवर, दिस इज अ ट्रांसमीटर रिसीवर दैट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज टू सेंड एंड रिसीव डेटा एंड कमांड्स. तो जितना भी कम्युनिकेशन होता है ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वो सब किसके थ्रू होता है, ट्रांस रिसीवर के थ्रू होता है. एंड एक्सटर्नल मेमोरी, WSN नोड्स यूजली यूज फ्लैश मेमरीज. ठीक है. सो जनरली क्या यूज़ करती हैं, ये फ्लैश मेमरीज यूज़ करती हैं. क्यों, बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज एंड दे हैव रीजनेबल स्टोरेज कैपेसिटी. सो फ्लैश मेमरीज के दो पॉइंट लिख सकते हैं, एक तो स्मॉल होती है साइज में एंड रीजनेबल स्टोरेज कैपेसिटी होती है. एंड फाइनली वी हैव द पावर सोर्स, किसी भी
वायरलेस सेंसर नोड्स को रन करने के लिए पावर की जरूरत होती है, तो पावर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वायरलेस सेंसर नोड. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.